morning, children. How are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your math teacher. Today, I'm going to teach a math subject. In math subject, I will teach next topic. आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, children? आज हम आप लोग को math subject में next topic पढ़ाएंगे. So, what is your today's topic name? आज के topic का name क्या है, children? आप लोग के आज के topic का name है less than, greater than or equal to. In our previous online classes, we taught you less than, equal to or greater than. मैंने आप लोग को previous online classes में क्या पढ़ाया था? Less than, greater than or equal to पढ़ाया था और समझाया भी था. आज मैं आप लोग को फिर से वही चीज क्या कर रही हूँ? Repeat करा रही हूँ. फिर इसी topic पे आज हम आप लोग को class work कराएंगे. Okay children? चलिए कुछ examples के through हम लोग समझते हैं कि less than, greater than और equal to को कैसे solve किया जाता है. First of all हम लोग क्या समझेंगे कि less than का sign कैसा होता है, greater than का sign कैसा होता है और equal to का sign कैसा होता है. चलिए सबसे पहले यहाँ पे राइट है लेस देन, एल ई डबल एस टी एच ए एन, लेस देन जी आर ई ए टी ई आर, ग्रेटर टी एच ए एन, देन ग्रेटर देन ओ आर और ई क्यू यू ए एल इक्वल टी ओ टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. समझ में आया? लेस देन का साइन होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन. ग्रेटर देन का साइन होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन. और इक्वल टू का साइन होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल टू. लेस देन का मतलब होता है कम नंबर, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा नंबर और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर. यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. अब इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन को कैसे सॉल्व किया जाता है. मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ चिल्ड्रन कि लेस देन और ग्रेटर देन कहाँ लगता है. लेस देन और ग्रेटर देन वहां लगता है जहाँ पे देखा जाता है कि टू नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब ग्रेटेस्ट है. समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में आप लोग देख रहे हैं ए बी सी, थ्री एग्जांपल्स मैंने लिए. चलिए मैं आप लोग को समझाती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल है 145 बॉक्स 254. इन बॉक्स में आप लोग को ये सारे साइन को फिल करना है जो है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे 145 है एंड 254 है. इन दोनों नंबर्स में आप लोग को बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, मतलब बड़ा है. तो आप लोग बताइए 145 बड़ा है कि 254 बड़ा है. वेरी गुड, 254 बड़ा है. तो कौन सा साइन लगेगा? लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि 254 बड़ा है इसलिए इधर के मुंह करके साइन लगाया गया है. समझ में आया? अब इसको रीड कैसे करेंगे? 145 इज लेस देन 254. 145 254 से लेस देन है, मतलब कम है. जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि लेस देन का मतलब होता है कम नंबर. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 बॉक्स 126. अब 136 और 126 में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, आप लोग बताइए. वेरी गुड, 136. तो कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जो कि है इधर के साइड का मुंह करके. अब इसको रीड कैसे करेंगे? 136 इज ग्रेटर देन 126. 136 126 से ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है. अब समझ में आया आप लोग को? जिधर का नंबर बड़ा होता है उधर का ही आप लोग को साइन लगाना है, आइदर वो लेस देन हो आइदर वो ग्रेटर देन हो. और इक्वल टू वहां लगता है जहाँ पे दोनों नंबर बराबर होते हैं. समझ में आया? जैसे कि थर्ड एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं 103 यहाँ भी राइट है, 103 यहाँ भी राइट है. तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? इक्वल टू साइन लगेगा. तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे. अब इसको कैसे रीड करेंगे? 103 इज इक्वल टू 103. समझ में आया? ये हो गया आप लोग के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझना कि लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन को कैसे सॉल्व किया जाता है इन एक्सरसाइजेस में. अब इसी से रिलेटेड आप लोग की अगर एक्सरसाइज आएगी तो इसी तरीके से आप लोग को करना है. ओके चिल्ड्रन, चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास वर्क पे. देखते हैं आज हम आप लोग को इससे रिलेटेड कौन सी टॉपिक पे एक्सरसाइज कराते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क पढ़ाया है उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को क्लास वर्क कराएंगे, वो भी रिटर्न. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है? सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में मेंशन करना है क्लास वर्क. डेट मेंशन करना है 26/4/2021. हेडिंग मेंशन करना है राइट द करेक्ट साइन. ये कौन सा साइन है चिल्ड्रेन? ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल टू.
ये वाले साइन को आप लोग को क्या करना है, राइट करना है. ओके चिल्ड्रेन, जो सा साइन जहाँ पे लगेगा वो साइन वहां पे आप लोग को राइट करना है. इस तरीके से नीट एंड क्लीन वे में पहले क्वेश्चन राइट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है. क्वेश्चन कैसे राइट करना है, वन बाय वन, मतलब एक के नीचे एक राइट करना है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नंबरिंग डालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन राइट करने के बाद सॉल्व करेंगे. इन बॉक्स में आप लोग को साइन को फिल करना है. ओके चिल्ड्रेन, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 116, 611. अब आप बताइए कि 116 और 611 में कौन सा नंबर बड़ा है. वेरी गुड, 611. तो कौन सा साइन लगेगा चिल्ड्रेन, साइन लगेगा लेस देन का. अब इसको रीड कैसे करेंगे, 116 less than 611 से लेस देन मतलब छोटा है, समझ में आया. इसलिए कौन सा साइन लगा है, लेस देन का साइन लगा, वो भी किधर का मुंह करके, 611 की तरफ का मुंह करके. समझ में आया, मैंने आप लोग को बताया ना, जिधर का नंबर ग्रेटेस्ट होगा, बड़ा होगा, उधर का ही आप लोग को साइन लगाना है. सेकेंड क्वेश्चन है 92 और 29 में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. वेरी गुड, 92. तो कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा. अब इसको रीड कैसे करेंगे, 92 29 से ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है, 92 बड़ा है और 29 छोटा है. समझ में आया. थर्ड क्वेश्चन है 56, यहाँ पे भी 56, दोनों तरफ 56 होंगे तो कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, जो कि है इसको हम लोग बोलते हैं बराबर का साइन. इधर भी 56, इधर भी 56. अब इसको रीड कैसे करेंगे, 56 इज इक्वल टू 56. समझ में आ रहा है चलिए. इसी से रिलेटेड अगर आप लोग के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करना है. ओके चिल्ड्रेन, एकदम इजी तरीका है आप लोग को सॉल्व करने का, जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी टॉपिक है ये. फोर्थ क्वेश्चन है 109 और 901 में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, 901. तो कौन सा साइन लगेगा चिल्ड्रेन, लेस देन का. इसको रीड करेंगे, 109 से लेस देन मतलब छोटा है, 109 छोटा है और 901 बड़ा है, इसलिए कौन सा साइन लगा है, लेस देन का साइन लगा है. फिफ्थ क्वेश्चन है 436. यहाँ पे देखिए नंबर सेम है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बट लास्ट वाला नंबर जो है वंस पे है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा आप लोग बताइए, 437 बड़ा होगा कि 436 बड़ा होगा. वेरी गुड, 437 बड़ा होगा. तो कौन सा साइन लगेगा चिल्ड्रेन, ग्रेटर देन का साइन लगेगा. अब इसको रीड करेंगे, 437 ग्रेटर देन 436 से ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है. सिक्स्थ क्वेश्चन है चिल्ड्रेन 522 यहाँ भी राइट है, 522 यहाँ पे भी राइट है, तो दोनों तरफ 522 राइट है. तो कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, ये वाला साइन. सेवेंथ क्वेश्चन है चिल्ड्रेन 1000 और 100. अब आप बताइए कि 1000 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है. वेरी गुड, 1000 बड़ा होता है क्योंकि 1000 में 4 डिजिट्स होते हैं और 100 में 3 डिजिट्स होते हैं. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1000 बड़ा होगा. तो कौन सा साइन लगेगा चिल्ड्रेन, ग्रेटर देन का साइन लगेगा. अब इसको रीड करेंगे, 1000 इज ग्रेटर देन 100. एट क्वेश्चन है 371 873. अब आप लोग बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 371 या 873. वेरी गुड, 873. तो कौन सा साइन लगेगा चिल्ड्रेन, लेस देन का साइन लगेगा. इसको रीड करेंगे, 371 इज लेस देन 873. 371 873 से लेस देन है. लास्ट क्वेश्चन है 205 बड़ा है या 502 बड़ा है. वेरी गुड, 502 बड़ा है. तो कौन सा साइन लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा. अब इसको रीड करेंगे, 205 इज लेस देन 502. 205 502 से लेस देन है. समझ में आया चिल्ड्रेन आप लोग को ये एक्सरसाइज. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एकदम नीट एंड क्लीन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में मिलूंगी तो सारा क्लास का को होमवर्क आप लोग का देखूंगी. ओके चिल्ड्रेन, चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं.
सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया है उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को होमवर्क देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है चिल्ड्रन, सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में मेंशन करना है होमवर्क, देन डेट 26/4/2021, हेडिंग मेंशन करेंगे राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को क्लास वर्क में पढ़ाया है। इस तरीके से नीट एंड क्लीन वे में क्वेश्चन राइट करेंगे वन बाय वन, मतलब एक के नीचे एक। पहले आप लोग को नंबरिंग मेंशन करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नंबरिंग मेंशन करने के बाद क्वेश्चन को राइट करने के बाद खुद से क्या करना है सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि आप लोग को ये एक्सरसाइज एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सारे चिल्ड्रन को अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि है आप लोग का होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगती है। और जिस जिस बच्चों ने अभी बुक परचेस नहीं की है वो बच्चे अपने मॉम या डैड से कह के बुक जल्दी से परचेस कर लीजिए, क्योंकि सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो गई है। विदाउट बुक के आप लोग की पढ़ाई नहीं हो सकती है। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग बुक जल्दी से परचेस कर लीजिए। और जितना भी होमवर्क क्लास वर्क आप लोग को कराया जाता है उसको डेली अपने कॉपी में राइट किया करिए। जब भी स्कूल खुलेगा आप लोग की कॉपी चेक होगी, और जब भी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो हम आपका सारा होमवर्क और क्लास वर्क देखेंगे कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।